हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड टेंथ के मैथ्स के बोर्ड के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। उसमें चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर विच वैल्यू ऑफ अ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैव अ नो सॉल्यूशन। फॉर द विच वैल्यू ऑफ अ के की कौन सी वैल्यू के लिए जो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन गिवन है 1 और 2, इसका आपको के की वैल्यू मिलेगी कि उसके नो सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन होती है तो हमें फर्स्ट टू टर्म ही लेने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको रिवराइट करते हैं। नाउ rewrite the given equation को हम rewrite करके यहाँ पे लिख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 3x plus y और 1 is equal to left side, right side है उसको left side लेते, -1 is equal to 0, इसको equation 1 कह दो। okay, and second equation तो 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y और यहाँ पे माइनस प्लस 2k प्लस 1 है वो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 कहो। नाउ यहाँ पे a1 a2 वो सब क्या होगा, तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 3, a2 b2 b1 इज इक्वल टू क्या है 1 होगा और c1 इज इक्वल टू -1 होगा। उसी तरह a2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2k माइनस वन, b2 इज इक्वल टू क्या होगा, k-1 होगा एंड c2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k+1 होगा। ओके, नाउ जो हमारी कंडीशन होती है फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, के नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नाउ यहाँ पे a1 और a2 b1 b2 सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो 3 अपॉन 2k-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k-1 इज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k+1 कि यहाँ पे प्लस माइनस क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म लेते हैं। नाउ टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, यहाँ पे टू टर्म लेंगे तो क्या होगा, 3 अपॉन 2k-1 होगा और यहाँ पे 1 अपॉन k-1 होगा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3 into k-1 और यहाँ पे 1 के साथ क्या होगा, 2k-1 के 1 के साथ तो कोई चेंजेस नहीं होगा तो इसको 2k-1 एजिटिज लिख देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके तो 3k-1 इज इक्वल टू 2k-1, 2k है वो लेफ्ट साइड जाएगा तो 3k-2k होगा, यहाँ पे -1 इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस साइड का तो +1 होगा। ओके, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या है 3 into 1 का तो 3 होगा क्योंकि इस साइड क्या आएगा, +3 होगा और यहाँ पे -1 ही है तो 3k-2k करोगे, 3k-2k करोगे तो 1k और यहाँ पे 3-1 करोगे तो कितना रहेगा, 2। ओके, अंडरस्टैंड k की वैल्यू में यहाँ पे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है तो उसको हम अब a1 a2 b1 b2 वो सब फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 और 2k-1 तो k की वैल्यू क्या 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 into 2-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k-1 तो क्या होगा, यहाँ पे k की जगह पे 2 पुट करना है और इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2, k की वैल्यू है 2 प्लस 1, यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा,
टू टू जा फोर, फोर माइनस वन का तो थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन वन, और यहाँ पे वन इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन फाइव होगा। ओके थ्री अपॉन थ्री यानी कि क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, वन अपॉन वन। ओके तो जो हमें कंडीशन कही थी वो भी सेटिस्फाई हो रहे हो। सो हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट व्हेन, हेंस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होगा, व्हेन एग्जिस्ट, व्हेन के इज इक्वल टू टू, के की वैल्यू टू के लिए इस, क्या होगा इस जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियोस, एंड ऐसे हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे जो बोर्ड की एग्जाम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो देखना भी भूलना नहीं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बनता ही है। थैंक यू स्टूडेंट।